ये गांव के बच्चे यहाँ पर कुछ खेल रहे हैं, लोकल गेम। घर आपको मिल जाएंगे, कुछ कुछ होम स्टे भी हैं उस तरफ। तो हिमाचल तो है एक टूरिज्म वाला एरिया, बहुत अच्छा व्यू है, घना जंगल है, पेड़ की छांव है। ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ से रिवर बहती है ऊपर से, ये नदी ऊपर से बहते हुए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज चलने वाले हैं एक हिडन प्लेसेस और बहुत ही खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू से भरा हुआ, सोयाल गांव की तरफ, जो मनाली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सोयाल गांव एक बेहद खूबसूरत गांव है, इसके चारों तरफ कुछ कुछ इस तरह का व्यू दिखाई दे रहा होगा। तो जो सोयाल के व्यू पॉइंट के पास चलेंगे, जहाँ पर एक नदी भी बहती है और काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। और यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, मनाली मॉल रोड से सोयाल विलेज जाएंगे तो रास्ते में ऐसे घने जंगल ही मिलते हैं, और ये सारा खूबसूरती से भरा हुआ है। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, देवदार और चीड़ के पेड़, और रोड अच्छा है, बढ़िया रोड है। मनाली से यदि आप सोयाल गांव की तरफ जाएंगे तो रोड ठीक ठाक है, कहीं कहीं रोड खराब है, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और रोड थोड़ा जिग जैग वाला भी है, लेकिन ट्रैफिक उतनी नहीं रहती है इस रोड पे, कम ही ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है आमतौर पर। तो इस तरह की लोकल बसें चलती है मनाली के सरकारी बस अड्डे से नागर होते हुए ये कुल्लू की तरफ जाती है। तो इस तरह के प्राइवेट बस को पकड़ के आप सोयाल गांव तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह के बसेस का स्टॉपेज लगभग सारे गांव में होता है, तो ये रुकते रुकते जाती है। सरकारी बस पकड़ के आएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, इस तरह की प्राइवेट बसें ज़्यादा समय लेती हैं। तो धूप खिली हुई है, सामने का माउंटेन देखेंगे तो बर्फ़ गिरी हुई है उसमें अच्छी खासी, तो कल ही जो बर्फबारी ख़त्म हुई थी, और हल्के हल्के बादल भी हैं, तो पूरा मौसम खुला नहीं है, थोड़ा बहुत खुला हुआ है। और रास्ते में इस तरह के आपके बहुत सारे गांव छोटे छोटे मिलेंगे सोयाल गांव जाते हुए। सजला गांव क्रॉस करने के बाद नागर की तरफ बढ़ेंगे तो ये गांव आएगा करजा। तो करजा के पास एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो यहीं पर आप उतर जाएं, और यहीं से एक रास्ता जाता है लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है सोयाल गांव, तो उतर के पैदल भी जा सकते हैं, और गाड़ी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं हूँ अभी सोयाल गांव के एंट्री पॉइंट पर। तो बाइक से मैं आया था, और नीचे गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है उस तरफ, तो उधर ही यहीं तक गाड़ियाँ आती है, तो उधर ही मैंने बाइक पार्क कर दी है। और फिर ये रास्ता इस तरफ से चले जाएगा सोयाल गांव की तरफ, तो ये सीधा रास्ता जाता है। यहाँ से भी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा, जो गांव का एंट्री पॉइंट है ये वाला। और नीचे भी इस तरफ के जंगल ही जंगल हैं, और कुछ घर बने हुए आपको रास्ते में दिखाई भी देंगे। तो इस गांव के जिस ब्यूटीफुल लोकेशन के पास विजिट कर रहे हैं, तो बहुत कम ही लोग आते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं एक हिडन प्लेसेस देखने के लिए, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पैदल भी चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो गाड़ियों से आ जाओगे, फिर आपको उस जगह तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर आना भी पड़ेगा। बहुत लोग चलना नहीं चाहते हैं तो वो इस तरफ का प्लान नहीं करते हैं, लेकिन जो और भी टूरिस्ट प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो वो फिर कहीं भी पहुँचना चाहते हैं। यह है गाँव जाते हुए, तो इधर भी इस तरह के छोटे छोटे घर बने हुए दिख जाएंगे। स्टार्टिंग है ये पॉइंट, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है गांव का। ऊपर भी देखेंगे अच्छे खासे घर बने हुए हैं, उधर भी, इधर भी हिमाचली स्टाइल के घर बने हुए हैं, कुछ नए तरह के घर भी बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी आपको पुराने तरह के घर
इस तरह के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ज़्यादातर जगह में। और इसमें आपको नीचे जो रहता है जगह, वो जानवरों के लिए रहता है, और बाकी ऊपर लोग रहते हैं। रास्ते में थोड़े बहुत ग्रॉसरी स्टोर भी हैं, वहाँ के कैफ़े, और ये सारी चीज़ें तो देखने के लिए मिल ही जाएगी। और ये छोटा सा इधर मंदिर बना हुआ है, और कुछ कुछ इस तरह का दिखता है हिमाचल के गांव का व्यू। कहीं भी जाएंगे मैक्सिमम घर आपको लगभग इसी तरह के दिखाई देंगे। तो इस तरह के पगडंडी वाले रास्ते बने हुए हैं, चलने के लिए तो ठीक है। और नीचे देखेंगे यहाँ पर गाय बंधी हुई है, उसके खाने के लिए ये इस तरह के चारे पेड़ में लटका के रखते हैं। घरों में तो इतना ज़्यादा जगह होता नहीं है, तो पेड़ों में ही रखते हैं। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है, क्योंकि कल तो मौसम ख़राब था, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन इधर तो बर्फ़ नहीं गिरी है। ज़्यादातर ऊंचाई वाले जो मनाली के अराउंड है वहाँ पर गिरी है, इधर गिरी भी होगी तो वो पिघल गया होगा सुबह सुबह। ये सेब के पेड़ हैं सारे लगे हुए, तो इधर तो ज़्यादातर सेब की ही खेती होती है। ऊपर भी देखेंगे उस तरफ। हिमाचल के ज़्यादातर गांव विजिट करेंगे तो बहुत कम ही आबादी रहती है, फिर यहाँ पर ठीक ठाक आबादी होगी। अब कुछ ही लोग रास्ते में आपको चलते फिरते तो दिखाई देंगे, अदरवाइज सारा रास्ता लगभग सुनसान ही दिखाई देगा आपको। इस तरह के छोटे छोटे कैनाल टाइप का पानी के सोर्सेस बने रहते हैं खेतों तक या जाने के लिए। ये सब पहाड़ी नदी या नाली से निकलते हैं, और उसे फिर इस तरह के नालों में बनाकर डाइवर्ट कर दिया जाता है। नीचे देखेंगे तो एक पहाड़ी नाला वहाँ नीचे की तरफ बह रहा है। और ये बिल्कुल गांव के पास पहुँच गए हैं, और जैसा मैं कह रहा था पहाड़ी नाले बह के आते रहते हैं लगभग ऊपर से पहाड़ों से। तो ये है पहाड़ी नाला जो बह के आ रहा है ऊपर से, और इस तरह के ये बने हुए रहते हैं, पानियाँ नीचे बहते रहती हैं। और ये सारे जो रास्ते बने हुए हैं, आगे भी घर बने हुए हैं उस तरफ जाने के लिए, और ये पगडंडी वाला रास्ता बना है आगे की तरफ जाने के लिए इस तरफ। तो गांव बहुत बिखरे बिखरे होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा गांव आपको एक जगह ही देखने के लिए मिले। तो ये है सोयाल गांव सामने जो दिखाई दे रहा है इस तरफ। ये गांव के बच्चे यहाँ पर कुछ खेल रहे हैं लोकल गेम। इस तरफ जाएंगे तो सोयाल गांव है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और इस तरफ है वो व्यू पॉइंट, इस तरफ इंडिकेशन दे रखा है। तो यहाँ से दिखा देता हूँ गांव कैसा दिखता है। ये भी एक पुराना गांव है। तो इस तरह के घर आपको मिल जाएंगे, कुछ कुछ होम स्टे भी हैं उस तरफ रुकने के लिए। तो स्टे करना चाहते हैं तो उधर जाकर स्टे भी कर सकते हैं। तो हिमाचल तो है एक टूरिज्म वाला एरिया, खासकर यहाँ पर टूरिज्म ही है। और इस तरह का फिर रास्ता हो जाता है, ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है पैदल चलने के लिए। इस गांव में आना हो और इसके व्यू पॉइंट में सालों बार आप कभी भी आइए, रास्ता हमेशा सही रहता है, खुला रहता है। लेकिन यदि आप मानसून के टाइम में आएंगे तो ज़्यादा हरियाली यहाँ पर दिखाई देगी। और ये पहुँचने वाले हैं बिल्कुल जिस व्यू पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, तो लगभग उसी जगह पहुँच गए हैं चलते हुए। जो स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग यहाँ पहुँचने में 10 मिनट चलना पड़ेगा आपको, 10 मिनट आराम से जाएंगे तो 15 मिनट चलते हुए पहुँच जाएंगे रिवर फॉरेस्ट कैफ़े इस तरफ। और इधर का कुछ कुछ व्यू है, यहाँ बहुत तरह के कैफ़े साइट के खुल रखे हैं, लेकिन जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा आगे है, जहाँ से खूबसूरत नदी का व्यू दिखाई देता है और जंगल का भी। यहाँ पर बहुत कुछ बन गया है, बहुत सारे कैफ़े बन गए हैं। बहुत पहले आया था मैं यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कैफ़े था,
रिवर फॉरेस्ट कैफे उधर जो परमानेंट टाइप का बना हुआ है, ये सारे तो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, घना जंगल है, पेड़ की छांव है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, हवा भी बह रही है ठंडी ठंडी। और जिस व्यू पॉइंट के बारे में बता रहा था आप लोगों को, तो बिल्कुल वहीं पर पहुंच गए हैं। ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ से रिवर बहती है ऊपर से, जैसा मैं बताया था वो पहले तो छोटे छोटे नाले थे, लेकिन ये रिवर पॉइंट है। इधर कैफ़े है बना हुआ, बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं लगी हुई उस तरफ, और इधर देखेंगे तो ये नदी ऊपर से बहते हुए आ रही है, काफ़ी ऊपर से बहती है। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है, चारों ओर का व्यू आप लोग को दिखाऊं तो, उधर खूबसूरत नदी बह रही है, इधर ये कैफे बने हुए हैं इस तरफ, और इधर घना जंगल है, और फिर नीचे की तरफ भी वो रिवर बहते हुए आगे की तरफ वो जा रही है, और ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो इस तरफ भी पहुंच जाएंगे। इधर भी कुछ कुछ कैफे दिख रहे हैं, फिलहाल तो लगभग सारा बंद ही है। ये नदी ऊपर से पहाड़ों से बहते हुए आती है, तो फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कोई भी नहीं है मेरे अलावा, जो भी है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लोकल गांव वाले होंगे यहाँ के। पहले ही बताया था मैंने ये ऑफ बीट टूरिस्ट प्लेसेस है, काफ़ी अंदर है, तो टैक्सी वालों को आपको नहीं बताते हैं कि इस तरह का टूरिस्ट प्लेस है, उन्हें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग ऐसे जगह को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो ढूंढ ही लेते हैं और फिर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इस जगह को विजिट भी करते हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी नदी तो नहीं बह रही है, छोटी सी नदी है जो पहाड़ों से होते हुए नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ये व्यू पॉइंट काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी सुंदर भी है और काफ़ी पॉपुलर भी है। और यहाँ से व्यू देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत भी है। लेकिन ऐसे खूबसूरत जगह को विजिट करना हो तो ये हिडन टूरिस्ट प्लेस में आता है मनाली का ये सोयाल विलेज का व्यू पॉइंट, जो खूबसूरती से भरा हुआ हो तो इस जगह को आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। आप यहाँ पर घंटों बैठे रहें और ये जो खूबसूरत है यहाँ के नज़ारे उसको फील करते रहें। तो बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए मनाली, जो मेन मेन टूरिस्ट प्लेस है, सोलांग वैली है, अटल टनल है, सिसु चले जाते हैं, हिडिम्बा मंदिर, ओल्ड मनाली, मनु टेम्पल, यही सब जो मेन मेन पॉइंट है, पांच छह चीज़ें, वही घूमकर वो वापस चले जाते हैं। वो भी अच्छा जगह है, लेकिन इस तरह के जगह को यदि आप विजिट करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आपने कभी सोयाल गाँव को विजिट किया था, जो काफ़ी खूबसूरत है और आपकी मेमोरी में हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा समय बिताने के बाद पीछे एक कैफ़े दिख रहा है, देखते हैं वो खुला है कि नहीं, और खुला होगा तो वहाँ पर चाय कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएंगे और पियेंगे। तो मैं तो अभी आया हूँ, ये विंटर का टाइम है, ठंड का सीजन है, यदि आप गर्मियों के टाइम में विजिट करेंगे इस जगह को तो इस व्यू पॉइंट के थोड़ा आगे जाएंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट आगे चलेंगे तो एक वाटर पूल बना हुआ है इसी नदी में, तो उस ठंडे ठंडे पानी में गर्मियों के टाइम में जब आप यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई के टाइम में विजिट करेंगे तो उधर जाके आप स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं और बिल्कुल भरपूर लुत्फ भी उठाएंगे। तो ये पगडंडी से होते हुए थोड़ा आगे जाएंगे, 2 मिनट चलेंगे तो आगे एक पानी का पूल बना हुआ है, उस तरफ से इकट्ठा होता है और काफ़ी जगह भी है वहाँ पर नहाने के लिए। और ये पुल की हालत, पहले दोनों तरफ रेलिंग थी, अभी टूट रखा है रेलिंग, एक तरफ है दूसरी तरफ भी टूट रखा है, तो ज़्यादा तो भीड़ वाला एरिया नहीं है,
इसीलिए गांव वाले भी ज़्यादा इसको रिपेयर करने का नहीं करते हैं जुगाड़। ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा कमाई हो तो ये सब रिपेयर करते रहें, क्योंकि सरकार तो ये करती नहीं रिपेयर, गांव वालों को खुद ही करना पड़ता है। और ये नदी के बगल में ये बिल्कुल घना घना जंगल है, इस तरफ तो जंगल वाला भी व्यू दिखाई देगा। और अभी के टाइम में देख रहा हूँ बहुत कुछ बन रखा है, बहुत पहले आया था तो कुछ भी नहीं था, ये खाली खाली जंगल था बिल्कुल। इधर भी कैफे बन रखे हैं, आगे भी कैफे है, आगे सामने वाले में चलते हैं देखते हैं वहाँ पर क्या है। काफ़ी पुराना कैफे है ये, मतलब यहीं के लोगों का है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे ही बनाया है। तो ये है रिवर फॉरेस्ट कैफ़े, काफ़ी फेमस भी है, एक बार यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, तो साउथ फिल्म एक्ट्रेस नागार्जुन और यहाँ पर आए थे शूटिंग करने के लिए, यहीं पर रुके भी थे, खाए पिए भी थे। ये फिश को पालने के लिए इस तरह का ये पॉन्ड इधर बना हुआ है। और ये है कैफ़े, रिवर फॉरेस्ट कैफ़े, बैठने के लिए चेयर बने हुए हैं। तो इस तरह का यहाँ पे प्लेस है खाने पीने के लिए, देखेंगे तो इधर बोन फायर के लिए बना रखा है, उस तरफ शायद कैंपिंग की व्यवस्था है। यहाँ पर कैंप करना चाहते हैं अपना लाकर, छोटे छोटे या नहीं भी लाए हैं तो उन लोगों का कैंप है अपना, उस पर जाकर आप कैंपिंग कर सकते हैं। इधर यह जगह बना हुआ है कैंप के लिए, टेंट भी बने हुए हैं। रुकना चाहते हैं तो इस कैफ़े ओनर से बात करके आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। बाकी देख ही रहे होंगे यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, सीनिक व्यू बिल्कुल। और खाने पीने की तो व्यवस्था यहाँ पर है ही, कैफ़े है ही, तो खाना पीना तो आपको मिल ही जाएगा। ये इधर झूला लगा हुआ है बैठने के लिए, झूले पर बैठिए, सामने का रिवर फ्रंट व्यू एंजॉय करिए। और उस तरफ यहाँ आगे की तरफ है वो जो ज़्यादातर गांव बने हुए हैं सोयाल विलेज वालों के, और टॉप माउंटेन पर अच्छी खासी बर्फ़ भी गिरी हुई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर ले, इसी तरह के ब्यूटीफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।